नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। कोरोना से बिहार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि आज पूरे बिहार से आए कोरोना के नए मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। आज 8 जुलाई को बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो पिछले 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों के आंकड़े जारी किए हैं, उसकी संख्या 749 है। यानी मात्र पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में कोरोना के लगभग 750 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग उतनी नहीं है जितनी कि भारत के अन्य राज्यों में है, लेकिन फिर भी एक दिन में 749 नए मरीजों का मिलना बिहार के लिए अच्छे संकेत कतई नहीं है। बिहार में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या कल के 12,525 से बढ़कर 13,274 हो गई है। राजधानी पटना की स्थिति पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा गंभीर है और यह दिन प्रतिदिन और ज़्यादा चिंताजनक होती जा रही है। आज केवल पटना से 235 नए कोरोना मरीज मिले हैं, वहीं बेगूसराय, भागलपुर और गोपालगंज से भी 50 से ज़्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। अगर पिछले 24 घंटों में आए नए मामलों की बात करें तो अररिया से 8 नए केस आए हैं, अरवल से 12, औरंगाबाद से 7, बांका से 5, बेगूसराय से 67, भागलपुर से 50, भोजपुर से 2, बक्सर से 14, दरभंगा से 8, देवरिया जिसका सैंपल पटना में कलेक्ट किया गया था 1, ईस्ट चंपारण 8, गया 15, गोडा जहां का सैंपल पटना में ही कलेक्ट किया गया था 1, गोपालगंज 61, जमुई 6, जहानाबाद 18, कैमूर 6, खगड़िया 14, किशनगंज 8, लखीसराय 10, मधेपुरा 13, मधुबनी 17, मुंगेर 24, मुजफ्फरपुर 17, नालंदा 3, नवादा 36, पटना 235, पूर्णिया 22, रोहतास 7, सहरसा 5, समस्तीपुर 2, शेखपुरा 8, शिवहर 2, सिवान 20, सुपौल 13, वैशाली 3 और वेस्ट चंपारण से 1 केस आए। बिहार में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को छूट दे दी गई है कि वे अपने जिलों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के अलावा दूसरे जगहों पर भी लॉकडाउन लगा सकते हैं। बुधवार को बिहार व पटना में रिकॉर्ड नए मरीज मिले हैं, इसे देखते हुए तथा संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए पटना व भागलपुर में फिर से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। बताया जाता है कि पटना में शुक्रवार से 7 दिनों के लिए तो भागलपुर में गुरुवार से 4 दिनों का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। भागलपुर जिले में लॉकडाउन भागलपुर, नवगछिया व कहलगांव के शहरी क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान दूध, दवा, सब्जी व किराना दुकानें खुली रहेंगी, अन्य आवश्यक सेवाएं भी बहाल रहेंगी। इस अवधि के दौरान गैर सरकारी चारपहिया एवं दोपहिया वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी और किसी भी हालत में बिना मास्क के घर से बाहर आना प्रतिबंधित रहेगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।